सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों भी रिसेंटली YouTube ने अपने कुछ पॉलिसीज में चेंज किया है और आज मैं आपसे इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात दोस्तों करने वाला हूं कि अगर आप एक अभी क्रिएटर हैं दोस्तों, अगर आप YouTube पे आना चाहते हैं तो यहां पे कुछ चेंज हो गया YouTube के मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों क्या है ये चेंज और मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं ये वीडियो बनाने का कुछ प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन आज सुबह से ही आप में से बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं उनके मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आए, आपने काफ़ी सारे कमेंट्स किए, इसलिए मुझे लगा कि मैं दोस्तों यहाँ पे सामने आके अपना ओपिनियन रखता हूँ और आपको एक थोड़ा सा एडवाइस देता हूँ कि अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप इस पॉलिसी को कैसे लें और मैं इसके बारे में पर्सनली क्या सोचता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हम थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री में कि यूट्यूब पे अगर आप पहले चाहते थे कुछ साल पहले तक आना, अपना एक चैनल बना के कुछ पैसे कमाना या फिर हॉबी परस्यू करना या जो भी है, तो आप दोस्तों आते यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से अप्लाई करते अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के लिए और वो चुटकी बजाते बड़े आराम से हो जाता। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे YouTube पे आ गए जो कि अनवांटेड थे, फिर चाहे वो थोड़ा सॉफ्ट पॉर्न दिखा रहे हैं, चाहे वो देवर भाभी की कॉमेडी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी फेक न्यूज बना रहे हैं, जो भी है, और वो दोस्तों जो वीडियोस थी वो उनके दम पे बहुत सारे व्यूज लेते, बहुत सारे पैसे कमाते और वो ट्रेंडिंग लिस्ट के अंदर ही पूरा कचरा भरा हुआ है वगैरह वगैरह। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स थे वो यूट्यूब से दूर हट गए कि भाई हमको एड नहीं दिखाना ऐसी वीडियोस पे जो खुद वीडियोस में कोई क्वालिटी नहीं है। तो यहां पे दोस्तों YouTube ने एक चेंज किया था लास्ट ईयर, जहां पे YouTube ने बोला कि भाई अगर कोई भी नया चैनल है तो वहां पे हम इंस्टेंटली जो मोनेटाइजेशन है उसको इनेबल नहीं करेंगे, आपको अपने चैनल के ऊपर पहले चाहिए होंगे 10,000 व्यूज, उसके बाद में हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि भैया आपके चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन जो है वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे फिर एक प्रॉब्लम क्या निकल के आ गई कि जो व्यूज हैं वो भी लेके आना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल काफी क्लिकबेट्स चलती हैं, आजकल आप कुछ भी घुमा फिरा के डाल दो फेक न्यूज, तो 10,000 व्यूज भी लोग जो है वो लेके आने लग गए और ऐसे में वापस से दोस्तों हो गया, निकल गया बाईपास। उसके बाद में दोस्तों YouTube ने एक और चेंज ये किया कि जो वीडियोस हैं वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो यहाँ पे वो जो आपका हरे रंग का डॉलर सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, कुछ केसेस में येलो हो जाएगा, कुछ केसेस में वो बिल्कुल हट ही जाएगा, डिपेंडिंग कि आपके वीडियो का सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों ये जो चीज़ आई इसके बाद से आपने देखा होगा कि बहुत सारा कंटेंट क्लीन हो गया, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जिनका कंटेंट अच्छा नहीं था वो डिमोटिवेट हो गए कि भैया पैसे तो हम कमा नहीं पाएंगे, तो वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म छोड़ चुके हैं और उनके अपलोड्स काफ़ी कम हो चुके हैं वगैरह वगैरह, और जो अच्छे क्रिएटर्स हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो ग्रो भी कर रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, पैसा भी हमारे सब कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो है 10,000 जो व्यूज का थ्रेशोल्ड है वो देख के लगता है कि यार बहुत इजी सा है, तो यूट्यूब ने इसको इस साल थोड़ा सा टफ कर दिया है और यहां पर दोस्तों मिनिमम रखा है यूट्यूब ने अभी, वो है वॉच टाइम, क्योंकि वॉच टाइम एक सही मैट्रिक है ये जानने का कि जो आपका कंटेंट है उसमें कितनी क्वालिटी है, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों थ्रेशोल्ड है वो है भैया कि आपको चाहिए 12 महीने में 4,000 घंटे का वॉच टाइम, आपके चैनल पे होने चाहिए 1,000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद ही आपके चैनल के ऊपर आ जाएगा मोनेटाइजेशन। और ऐसे केस में अगर करंटली दोस्तों अभी आपका चैनल चल रहा है जिस पे मोनेटाइजेशन वगैरह मान लीजिए नहीं था या था या जो भी था, तो आपको टाइम मिला है 20 फरवरी का अगले महीने तक कि आप अगर आने वाले 30 दिनों में 32 दिनों में अगर ये चीज अचीव कर लेते हो तो ठीक है, वरना आपका जो मोनेटाइजेशन है वो दोबारा से हट जाएगा और दोबारा आपको वही थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। ये दोस्तों न्यूज आती है, आप में से बहुत सारे क्रिएटर शायद डिमोटिवेट हो गए कि हाय हम कैसे करेंगे, यूट्यूब ने बहुत गलत किया वगैरह वगैरह, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करके देखो। अभी मान लो 4,000 घंटे का वॉच टाइम है, सुनने में लगता है ना 4,000 घंटे, ये इतना नहीं है। इमेजिन करो कि आपकी एक वीडियो बनती है जो कि है 5 मिनट की, अब लोग जो है मान लो आपकी वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट देखते हैं 5 मिनट, तो मान लो आपको टोटल कितने व्यूज चाहिए, आपको व्यूज चाहिए सिर्फ 48,000, ज्यादा है 10,000 से लेकिन इतना भी कोई ज्यादा नहीं है। मान लो उस वीडियो को लोगों ने देखा सिर्फ ढाई ढाई मिनट का, तो आपको कितने व्यूज चाहिए, आपको चाहिए 96,000 व्यूज। मान लो उस वीडियो को देखा लोगों ने सिर्फ दो दो मिनट, तो आपको कितने व्यूज चाहिए, 1,20,000। तो यहां पर दोस्तों आप ये समझ लो कि आपको टोटल अपने चैनल के ऊपर 1,20,000 व्यूज चाहिए अगर लोग ऑन एवरेज आपकी वीडियो को 2 मिनट देखते हैं। अब वो आपकी एक वीडियो से आए, आपकी दो वीडियो से आए, 10 वीडियो से आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जहां तक बात दोस्तों है 1,000 सब्सक्राइबर्स की, तो यहां पे अगर 1,20,000 व्यूज आपकी वीडियो पे आ गए
तो क्या कन्वर्जन रेट 1% भी नहीं होगा? क्या ऐसा भी नहीं होगा कि 100 लोगों में से एक इंसान आपकी वीडियो को देख के सब्सक्राइब कर ले? बिल्कुल होगा, आराम से होगा। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स जो है वो भी बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। अभी दोस्तों आपको फोकस करना है सिर्फ अपने कंटेंट पे और कंटेंट पे। बहुत से लोग जो ये सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार पैसे नहीं कमा रहा हूं, पैसे नहीं कमा रहा हूं, तो यार ये बात तो आप भी जान लो कि चाहे 10,000 व्यूज हो चाहे 50,000 व्यूज हो, आपको उनके लिए कोई लाखों करोड़ों नहीं मिल जाएंगे। आपको कितना मिलेगा? बहुत कम, थोड़ा बहुत कुछ पैसा। तो यहां पे अभी आप जो है वो कंपटीशन को खत्म कर रहे हो। वो जो क्रिएटर्स जो नई क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, जो अभी तक आपसे लड़ रहे थे, वो दूर जा रहे हैं, वो YouTube पे नहीं आ पाएंगे। सिर्फ जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, जो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो YouTube पे रहेंगे। तो अभी पैसे को फोकस मत करो बिल्कुल भी। मैं दोस्तों पहले भी अपनी वीडियोस में बात कही है आपको, सिर्फ फोकस करो कि मेरे को एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट देना है जहां पे लोग उस वीडियो को देखें, पसंद करें, वॉच टाइम भी आ जाएगा, सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे। जो इनकम आपको शुरू होनी थी मान लो आज से, वो आपको शुरू हो जाएगी लेट से 1 महीने 2 महीने के बाद से। तो यहां पे प्लीज डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना ये सोच के कि 4,000 घंटे और ये और वो। मुझे मालूम है कि आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। और यहां पे जो लोग नहीं कर सकते वो वही लोग हैं जिनका कंटेंट अच्छा नहीं है, जो घुमा फिरा के वीडियो जैसे कुछ बना रहे हैं जहां पे शायद लोगों के को मतलब की नहीं है वो, चाहे नींबू मिर्ची हो, चाहे नमक चीनी हो, चाहे सिक्का रख दो वगैरह वगैरह। तो वो जो कचरा है हमको साफ चाहिए YouTube से। हमको दोस्तों एक अच्छा YouTube चाहिए। तो आप प्लीज ये चीज सोच के, इस चीज को पॉजिटिव होके लो कि हाँ भाई मेरे कंटेंट में क्यों नहीं आएंगे, मेरे को 4,000 जो वॉच टाइम आर से वो आराम से आ जाएंगे। और अगर मोनेटाइजेशन आपका डे वन पे भी आ जाता तो आप कितना कमा लेते यार? वो तो 1,50,000 व्यूज का दोस्तों बहुत ही कम पैसा मिलता है, वो बात तो आप भी जानते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो, ये फ्यूचर के लिए अच्छा है। सही क्रिएटर्स रहेंगे प्लेटफॉर्म पे, सही मोनेटाइजेशन पॉलिसीज होंगी, तो सभी लोग अच्छा पैसा कमाएंगे। ये है दोस्तों मेरा एकदम ऑनेस्ट ब्लंट फीडबैक। और लास्ट टाइम भी जब 10,000 व्यूज की ये पॉलिसी आई थी सामने, तो मेरा ये मानना था कि 10,000 व्यूज ना बहुत ही कम एक थ्रेशोल्ड है, इसको डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। और यूट्यूब दोस्तों भी इनफैक्ट बढ़ा भी दिया है, तो ये एक अच्छा काम किया है। बाकी अगर आपके कंटेंट में दम है तो यूट्यूब है, फेसबुक है, और बहुत सारे दोस्तों प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको डेफिनेटली अपनी ऑडियंस मिल रही है। तो प्लीज कभी भी ये सोच के डीमोटिवेट मत हो कि मैं क्या करूं और क्या करूं। जहां तक बात है क्या करने की, तो आप सिर्फ फोकस करो अच्छा कंटेंट बनाने की, अच्छी वीडियोस बनाने की, और 4, 5, 6, 10 अच्छी वीडियोस बनाओ। डेफिनेटली आपको उसमें दोस्तों रिस्पांस मिलेगा। सही टाइम पे सही चीज पोस्ट करो, और एक थोड़ा अच्छा सोच के विद सम गुड आइडिया आप पोस्ट करो। ऐसे ही अंधेरे में तीर मत चलाओ, एक निशाना साधो फिर तीर चलाओ, तो उस निशाने पे तीर डेफिनेटली लगेगा, अंधेरे में तो लगने का फिर चांस कहां होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।